लोमड़ी और सात बकरियाँ। एक जंगल में सात बकरियाँ रहती थी। वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो पांच बकरियां सो जाती और दो पहरा दिया करती थी, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। अरे वाह कितनी मोटी बकरियां हैं, अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहां से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहां सुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो, ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियाँ झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियाँ एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है, और फिर बाकी बकरियाँ यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। सोने का हाथी। करणपुर नाम के एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। उस जंगल में एक गुफा थी। उसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। वह एक बड़ा भक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था। वह एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान प्रत्यक्ष हुआ। गणेश हाथी, मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भगवान मुझे सबसे अलग बना दो, मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान तदास्तु बोलता है, और तुरंत गणेश एक सोने के हाथी में बदल जाता है। ये बात करणपुर के सारे गांव में फैल जाता है, और सारे गांव के लोग उसे देखने जंगल में चले जाते हैं। उसी गांव का रहने वाला सूरज अपने पत्नी शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही गरीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा सुनती हो, पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चलकर देखते हैं। मैं नहीं आऊंगी, तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊंगी। शिल्पा ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी आप तो जादुई हाथी दिख रहे हैं, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है, और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं, कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देकर ऐसा बोला, सूरज तुम एक नेक इंसान लग रहे हो,
तुम इन सोने के दांतों को बेचकर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेचकर सारा कर्ज चुका लेता है। लेकिन उसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। उसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर उससे सोना लाकर बाजार में बेचकर अय्याशी करता था। उसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वह बहुत पीता है और नशे में अपने दोस्तों के साथ जंगल जाकर उस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वह कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ, तुम फिर मेरे पास आ गए, क्या तकलीफ है अभी? तभी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन हाथी चौकन्ना होकर हट जाती है और उसके सूंड के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज के पत्नी और बेटा आते हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में आकर ऐसा काम करने के लिए सोचा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। उसकी पत्नी को देख गणेश हाथी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो, तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। चिड़िया हर सुबह खाना लेने जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो खाना लेने गई, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। अरे नहीं, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर कैसे जाऊँगी? चिड़िया बहुत छोटी थी और बारिश में घर ना जा सकती थी। उसके पास एक पेड़ पर रात गुजारने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने एक पेड़ पर रात गुजारी। अगले दिन जब बारिश बंद हुई, तब वह अपने घोंसले की ओर निकल पड़ी। अपने घोंसले में उसने एक खरगोश को आराम करते हुए देखा। चिड़िया ने खरगोश से कहा, ए खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घोंसला है, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। कल रात मैंने तुम्हारे घोंसले में बिताई, इसीलिए अब यह घोंसला मेरा है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये तुम्हारा घोंसला है? चिड़िया बहुत दुखी है और गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं, एक समझदार जानवर से पूछना होगा कि सच्चा कौन है। एक बिल्ली चिड़िया और खरगोश की बात सुन रही होती है। वह चुपचाप उनके पास आती है और वहीं पर बैठ जाती है और धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगती है। चिड़िया ने जब बिल्ली को देखा तो उससे कहा, वाह, ये बिल्ली ज्ञानी लगती है, चलो इसी से पूछ लेते हैं, घोंसला किसका है? चिड़िया और खरगोश बिल्ली के पास गए। बिल्ली भगवान का नाम जपती जा रही थी। जब बिल्ली ने आँख खोली तो चिड़िया और खरगोश ने उसे सारी बात बताई। बिल्ली ने दोबारा आँख बंद की और उनकी बात सुनती रही और अचानक झपट्टा मारकर दोनों को पकड़कर खा गई। चालाक बिल्ली ने घोंसले पर भी कब्जा कर लिया और अपना पेट चिड़िया और खरगोश से भर लिया। इसीलिए कहते हैं, हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, नहीं तो फैसले की जगह अपनी जान गवा सकते हैं। हाँ, बहुत मजा आया, मूर्ख कहीं के। सुंदरबन अपने नाम की तरह बहुत सुंदर था। सुंदरबन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के पानी में रहने वाले जीव रहा करते थे। लेकिन उनमें से चंपा कली और राम कली नाम की मछलियाँ पक्की सहेलियाँ थीं। वो दोनों अपने दोस्त भोंदू मेंढक के साथ उस तालाब में खुशी खुशी रहा करती थी। चंपा कली और राम कली खुद को बहुत ही चालाक और समझदार समझती थी और बात बात पर भोंदू मेंढक का मजाक उड़ाया करती थी। आ गए भोंदू महाराज, कहाँ टर टर कर रहे थे, क्या अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे? हाँ, अरे रहने दे चंपा कली, भोंदू महाराज की बीवी तो इनसे खुद दूर भागती है, ये है ही इतना बदबूदार बेवकूफ। लेकिन भोंदू मेंढक उनकी हर बात को हंसी में टाल दिया करता था। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा आया। तालाब में मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, अरे वाह, इस तालाब में तो खूब सारी मछलियां हैं। अरे
वो भी इतनी बड़ी बड़ी। आज तो मेरा जाल छोटा है, कल मैं बड़ा जाल लेकर आऊंगा और इन सबको पकड़ कर ले जाऊंगा, बहुत पैसे मिलेंगे बाजार में। मछुआरे की ये बातें मेंढक और उसकी मछली सहेली ने सुन ली। मेंढक मछलियों से कहता है, अरे चंपा कली राम कली, हमें आज ही यहाँ से तालाब छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, वरना ये मछुआरा हमें पकड़कर मार डालेगा। मेंढक की बात सुनकर दोनों मछलियाँ हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम तो हो ही इतने बदबूदार और डरपोक, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मछुआरा आ भी गया तो क्या, हम तो अच्छी तरह से तैरना जानते हैं, बच ही जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। मेंढक उसी समय अपने परिवार के साथ उस तालाब से दूर चला गया। अगली सुबह मछुआरा जाल लेकर आया और उसने सभी मछलियों को अपने जाल में फंसा लिया और उन्हें पकड़कर ले जाने लगा। यह देखकर मेंढक और उसकी बीवी बहुत दुखी हुए। काश मेरी मछली दोस्तों ने मेरी बात मान ली होती, मुझे हमेशा इन्होंने बुद्धू ही समझा, कभी मेरी बात नहीं मानी। जाते हुए मछलियों को जब मेंढक रास्ते में नजर आया तो उन्हें भी अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। हमने बहुत गलत किया, अपने दोस्त को हमेशा मूर्ख कहते रहे, बुद्धू कहते रहे, उसने तो हमारी जान बचाने की बहुत कोशिश की।